ट्वेल्थ क्लास आप चैप्टर रीड कर रहे थे, आपका चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। तो इमरजेंसी की हम बात कर चुके थे, आपातकाल की हम देख चुके थे, और आपातकाल से हमें क्या क्या सबक मिला था वह भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपातकाल के बाद की जो राजनीति थी उसके बारे में। जैसे ही आपातकाल ख़त्म हुआ और लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे, उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज़्यादा महसूस किया गया था। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इफेक्ट आया था वो कहाँ आया था? उत्तर भारत में आया था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे का चुनाव लड़ा, जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था, सब एकदम साफ था, और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना था, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975 से 1977 के अनुभव की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता करती है। 1975 से जो 1977 के बीच की जो भी सिचुएशन हुई, उससे ये क्लियर होता है कि यह जो स्थिति थी वह भारत की लोकतंत्र की बुनियाद थी। क्लियर हो गया। अब देखिए लोकसभा के चुनाव देखते हैं 1977 में कि क्या सिचुएशन हुई थी उस टाइम पे। 18 महीने के बाद आपातकाल के बाद 1977 की जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला लिया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। जितने 676 के आसपास जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उन सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला। जो विपक्षी दल थे उनको चुनावी तैयारी का कम समय मिला था। क्यों कम समय मिला था? क्योंकि बहुत सारे जो विपक्षी दल के नेता थे वो कहाँ पर थे? जेल के अंदर थे। अब देखिए, लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज़ थी। आपातकाल लागू होने के बावजूद पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियाँ एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। चुनाव के एन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी के नाम से एक दल बनाया। जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी वो सभी अब एकजुट हो गई थी और सभी ने मिलकर एक नया दल बनाया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के, देखिए जयप्रकाश नारायण वही नेता हैं जिन्होंने बिहार का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और यही इन्होंने ही मतलब विपक्षी दल बना लिया, और विपक्षी दल के नेता के रूप में जो अन्य पार्टियां थी उन्होंने इसे नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हो गए। मतलब जितने भी कांग्रेस के खिलाफ थे वो सभी के सभी इकट्ठा हो गए थे। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था, और बाद में यही पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। जो जगजीवन राम की पार्टी थी वो भी इसी पार्टी में सम्मिलित हो गई। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार प्रसार में शासन के अलोकतांत्रिक चर्चा चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई जाप्तियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत संग्रह के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। देखिए, सभी जो विरोधी नेता थे वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे, कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। और वो सारे के सारे जितने भी नेता थे वो सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर उन्होंने एक विपक्षी दल बना लिया। उसी विपक्षी दल को जनता पार्टी के नाम से जाना गया, जिसका नेतृत्व जो था वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और इससे यह बात भी सुनिश्चित हो गई थी कि जितने भी गैर कांग्रेसी वोट हैं वो सारे के सारे एक दल एक जगह ही पड़ेंगे। इससे कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी, क्योंकि उसके विरोधी जो थे, विरोधियों की जो उसकी संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी।
लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। अब तक जो हमने पीछे भी देखा, जितने चैप्टर का हमने अध्ययन किया, ठीक है, वहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस ही डोमिनेंट थी और कभी भी कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में नहीं हारी। लेकिन 1977 में जो इलेक्शंस हुए उसका जो रिज़ल्ट आया उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वह बुरी तरीके से पराजित हुई थी। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली, उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। कितनी? 330 सीटें जो जनता पार्टी, जो उसके विभिन्न नेता थे जिन्होंने मिलकर यह बनाई थी, उनको हुई। जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी। जनता पार्टी को अकेले ही कितनी सीटें मिल गई थी? 295 सीटें मिल गई थी। उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि कांग्रेस ने जिस टाइम पे इमरजेंसी लगाई थी तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था वो उत्तर भारत ही था। इसलिए जो यहाँ का चुनावी माहौल था वह कांग्रेस के बिल्कुल ही खिलाफ था। कांग्रेस जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट ना पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, जैसा कि 2014 के इलेक्शंस में भी हुआ था कि अमेठी से चुनाव हार गए थे। उसी तरीके से 1977 में भी ये काफ़ी बुरी तरीके से पराजित हुए थे। बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं आ रही थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का भी रोक टोक चला था। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था। देखिए, दक्षिणी भारत में ऐसा नहीं था जैसा कि हमें उत्तरी भारत में देखने को मिल रहा है। उत्तरी भारत में हमने देखा कि किस तरीके से, मतलब उसको हरियाणा, पंजाब जैसे, यूपी जैसे जो स्टेट्स थे वहाँ पर उसको एक सिंगल सीट भी नहीं मिली थी, और राजस्थान, गुजरात की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जस्ट उसको एक एक सीट मिली थी। लेकिन दक्षिणी भारत में जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, वह इसके बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे हर राज्य पर एक जैसा इसका प्रभाव नहीं हुआ था। उत्तर भारत में इसकी सीट्स इसलिए नहीं थी क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जो सबसे प्रभावित क्षेत्र था वह उत्तर भारत ही था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने, वे जबरन नसबंदी कराने का काम ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में ही हुआ था। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए। उत्तर भारत का मध्यम वर्ग से दूर जाने लगा था। उत्तर भारत का जो मध्यम वर्ग है वो कांग्रेस से दूर जाने लगा था, मतलब पीछे हट गया था। अब देखते हैं, मध्यम वर्ग के तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े। इससे इस अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते, बल्कि इसके आगे भी कुछ और बातों का संकेत करते हैं। अब देखते हैं जनता सरकार क्या कहती है। 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था, क्योंकि इसमें काफ़ी विपक्षी नेता शामिल हुए थे। यह कोई एक पार्टी नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि जो जनता पार्टी थी वह विभिन्न पार्टियों का मिश्रण ही कह सकते हो आप उसे। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ हुई। इस होड़ में मुरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। मुरारजी देसाई, देखिए आपको पता है मुरारजी देसाई कौन है? मुरारजी देसाई हमेशा से ही इंदिरा गांधी के कंपेटिटर थे, ठीक है। 1966-67 में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख थे। चरण सिंह का संबंध किससे था? भारतीय लोकदल से था, और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसे जनता पार्टी के भीतर सत्ता में खींचतान खत्म ना हुई। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व या एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार किससे बनी?
देखिए कांग्रेस पार्टी के स्थान पर समर्थन पर दूसरी सरकार जो है वह चरण सिंह की बनी। चरण सिंह आपको पता है ना कौन थे, भारतीय लोकदल के प्रमुख थे, उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया, इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक रही थी। देखिए मोरारजी देसाई के 18 महीने तक, इस बेचारे के 4 महीने तक ही रही। 1980 की जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई, हार गई जनता पार्टी। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को ज़बरदस्त सफलता मिली थी। पहले इसको ज़बरदस्त सफलता मिली थी, 300+ इसको वोटिंग मिली थी, वोटिंग में सीट्स मिली थी। और अब जो इसकी सिचुएशन थी, ये काफ़ी बुरी तरीके से हार गई थी जो 1980 में इलेक्शन हुए। कांग्रेस पार्टी ने 1900 चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वहीं सत्ता में आ गई। 1977 से 1979 के चुनाव ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया, सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। देखिए यदि सरकार के बीच में अस्थिरता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो मतदाता होते हैं वह क्या करते हैं, उसे कड़ा दंड देते हैं। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं विरासत की। लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी की वापस हुई, क्या मामला इतना भारी था? 1977 और 1980 के चुनाव के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। अब ये कहता है कि जब जो 1980 के जो चुनाव हुए थे, क्या मतलब उसमें इंदिरा गांधी की ही वापसी हुई थी, क्या इतना भर ही था ये? या फिर ये कहता है चुनाव के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद कांग्रेस को सबको सम्माहित करके चलने वाला स्वभाव बदलता हुआ शुरू हुआ। स्टार्टिंग में क्या था, ये सबको अपने अंदर सम्माहित करती थी, लेकिन 1969 के बाद इसका जो स्वभाव था वह बदल गया। 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गतिमती के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मिस मीट कर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने देश को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना स्टार्ट कर दिया। जो उसने अपने स्वभाव में नई विचारधारा को जोड़ा था, तो उसमें उसने आपको जो गरीबों की हिमायती बताना स्टार्ट कर दिया। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों में कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे समाज और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। इसके साथ साथ यह पार्टी एक नेता यानी कांग्रेस की लोकप्रियता पर निर्भर हुई। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलाव को मद्देनज़र अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ साफ नज़र आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज़ ने 1977 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हो गया। हमने ऊपर गौर किया कि 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों का मतदान का असर पड़ा, खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनावों के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इसमें उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें ही बनी थी, ये हम देख चुके हैं। 1977 में जो इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार ही आई थी। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज़्यादा विस्तार से आप अपनी अध्याय में पढ़ेंगे। आपातकाल के बाद हर चुनाव में दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है भाई, पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी देखते हैं कि एमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स में क्या क्या सिचुएशन हुई थी। सबसे पहले सिचुएशन ये हुई थी, बताना चाहूँगी आपको कि 1977 में कांग्रेस ने लास्ट में मतलब आपातकालीन जो एमरजेंसी लगी हुई थी उसे हटा दिया और इलेक्शंस हेल्ड हुए, जिसमें मतलब कांग्रेस की काफ़ी बड़ी हार हुई थी। तो लोकसभा के इलेक्शंस देखते हैं 1977 में। इन जनवरी 1917
1977 आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ एमरजेंसी 18 महीने तक एमरजेंसी लगी रही द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इलेक्शंस के लिए अकॉर्डिंगली ऑल द लीडर्स एंड एक्टिविटीज वर रिलीज्ड फ्रॉम द जेल जितने भी नेता वगैरह ठीक है जेल में गिरफ्तार किए गए थे आपातकालीन के दौरान तो उन्हें रिहा कर दिया गया इलेक्शंस वर हेल्ड इन मार्च 1977 और इलेक्शंस कब हुए 1977 में हुए दिस लेफ्ट द अपोजिशन विद वेरी लिटल टाइम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो अपोजिशन था जो विपक्षी दल था उसके पास काफ़ी कम समय था बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस वर रैपिडली लेकिन जो उनका राजनीतिक जो विकास हो रहा था वह काफ़ी रैपिडली था द मेजर अपोजिशन पार्टी हैड ऑलरेडी बीन कमिंग क्लोजर इन प्री एमरजेंसी पीरियड जिस टाइम पर एमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पर ये जो अपोजिशन पार्टी थी ये पहले ही इकट्ठा हो गई थी नाउ दे कम टुगेदर ऑन द ए वे ऑफ इलेक्शंस और अब ये किस तरीके से आ रही थी इलेक्शंस के फॉर्म में फॉर्मड ए न्यू पार्टी इन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया नोन एज द जनता पार्टी जिसे जनता पार्टी के नाम से जाना गया द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण जो नई पार्टी जनता पार्टी जो बनी थी वो उन्होंने लीडरशिप एक्सेप्ट की जयप्रकाश नारायण की जयप्रकाश नारायण कौन थे बिहार में जो आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस were opposed to the emergency also joined the new party जिन कुछ नेता जो कांग्रेस के थे जिन्होंने एमरजेंसी को अपोज किया था उन्होंने इस नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया सम अदर कांग्रेस लीडर आल्सो कम आउट और कुछ और कांग्रेस लीडर भी आए एंड फॉर्मड ए सेपरेट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम उन्होंने मतलब जगजीवन राम की लीडरशिप में अपनी नई पार्टी की फॉर्मेशन की दिस पार्टी नेम इज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इस पार्टी को किस नाम से जाना जाता है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी लेटर मर्ज्ड विद द जनता पार्टी और बाद में जो जनता पार्टी से जाकर मिल गई जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इन टू ए रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी इट कैंपेन वर फोकस्ड ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक करेक्टर जो इसका मतलब चुनाव का जो प्रसार था उस पर सिर्फ एक ही बात पर फोकस था कि जो लोकतांत्रिक सरकार का चरित्र है ऑफ द रूल एंड ऑन वेरियस एक्सेसेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड इन द बैक ड्रॉप ऑफ अरेस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन एंड द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस ये उस टाइम पे मतलब बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो प्रेस पर सेंसरशिप लगी द पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द कांग्रेस इस तरीके से जो पब्लिक के ओपिनियन थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट थे क्यों अगेंस्ट थे क्योंकि बहुत सारे आदमियों को जेल में डाला गया था और प्रेस पर स्वतंत्रता सेंसरशिप लगी थी जयप्रकाश नारायण बिकम द पॉपुलर सिंबल ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण थे जो वो सबसे मतलब पॉपुलर सिंबल थे किस चीज़ के लिए दोबारा से लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए द फॉर्मेशन ऑफ द जनता पार्टी ऑल्सो इंश्योर्ड दैट नॉन कांग्रेस वोट वुड नॉट बी डिवाइडेड इस तरीके से जो मतलब नॉन कांग्रेस जितनी भी वोट थी ठीक है वो विभाजित नहीं होंगे इट वॉज एविडेंट दैट द गोइंग वॉज टफ फॉर द कांग्रेस मतलब वो सारी की सारी वोटिंग एक ही जगह पर जानी थी नॉन कांग्रेस जो थे और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये समय था वो कांग्रेस के लिए काफ़ी जटिल था काफ़ी मुश्किल था येट द फाइनल रिजल्ट टुक एवरी वन बाई सरप्राइज जब फाइनल रिजल्ट आया तो हर कोई इससे अचंभित था फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंट ये पहली बार हुआ था स्वतंत्रता के बाद द कांग्रेस पार्टी वॉज द डिफीटेड बाई द इन द लोकसभा इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी थी वो डिफीट हो गई हार गई एंड द कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट इन द लोकसभा और कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली इट शेयर ऑफ द पॉपुलर वोट्स फेल टू लेस देन 35% यदि वोट्स की बात करें तो यह 35% से भी कम थी और यदि जनता पार्टी की यदि मैं बात करूँ तो जनता पार्टी और जो इससे संबंधित गठबंधन था ठीक है उसको 330 सीट मिली थी 542 सीटों में से जो लोकसभा की थी लोकसभा में जो जनता पार्टी थी उसको 295 सीट्स मिली 10 दिन जो है क्लियर मेजोरिटी उसको बहुमत मिला हुआ था इन नॉर्थ इंडिया इट वॉज ए मैसिव इलेक्ट्रिकल वेव अगेंस्ट द कांग्रेस इस तरीके से जो उत्तरे भारत था वहाँ पर जो इलेक्ट्रल जो चुनाव हुआ था वह भारी रूप से कांग्रेस के खिलाफ था अगेंस्ट था द कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बिहार जो मतलब कांग्रेस है वो कहाँ कहाँ से आ रही थी बिहार से उत्तर प्रदेश दिल्ली एंड हरियाणा पंजाब से कुड विन ओनली 1 सीट और यहाँ तक कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश थे वहाँ से उसको सिर्फ जस्ट ओनली 1 सीट ही मिली थी इंदिरा गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम द रायबरेली और इंदिरा गांधी जो रायबरेली जगह है वहाँ से हार गई थी एस वॉज हर सन जो उसका बेटा था संजय गांधी वो अमेठी से हार गया था बट
इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ शोइंग द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शंस, यदि मतलब आप मैप की तरफ देखते हैं जहां इलेक्शंस के रिजल्ट को शो किया गया है, यू विल नोटिस दैट द कांग्रेस डिड नॉट लूज इलेक्शन ऑल ओवर द कंट्री। ऐसा नहीं था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे देश में ही मतलब इलेक्शंस को हार गई थी। इट रिटेन्ड इन मैनी स्टेट्स, यह काफ़ी स्टेटों में टिकी हुई थी, जमी हुई थी, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, एंड वर्चुअली स्वेप्ट फ्रॉम द थ्रू द साउदर्न स्टेट्स। देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। टू बिगिन दिस, द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी वॉज नॉट फेल्ट इक्वली ऑन ऑल द स्टेट्स। ये कहता है कि जो मतलब इस तरीके से जो ये साउदर्न स्टेट्स थे वहाँ पर ये थी, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वहाँ पर नहीं थी कांग्रेस पार्टी, तो उसके बहुत सारे रीज़न थे। सबसे पहला तो रीज़न यह है कि जो उस टाइम पर इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी के प्रभाव सभी राज्यों पर एक जैसे नहीं थे। जो सबसे प्रभावित राज्य थे वे उत्तरी भारत के ही राज्य थे, दक्षिणी भारत के राज्य नहीं थे। फिर उसके बाद देखते हैं द फोर्स्ट रिलक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स्ट स्टेरिलाइजेशन, जो ये ज़बरदस्ती मतलब जो नसबंदी की गई थी, स्टेरिलाइजेशन किया गया था, वर मोस्टली कंसनट्रेटेड इन द नॉर्दर्न स्टेट। ये सबसे ज़्यादा जो उत्तरी स्टेट से उत्तरी राज्य थे वहाँ पर ही हुए थे। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या है, नॉर्थ इंडिया हैड एक्सपीरियंस सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द नेचर ऑफ द पोलिटिकल कम्बिनेशन। और जो नॉर्थ इंडिया है उसे काफ़ी अनुभव था किस चीज़ को लेकर, जो वहाँ पर पोलिटिकल कम्पिटिशन हो रहा था। द मिडिल कास्ट फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया वॉज बिगनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस। ये कहता है कि जो मिडिल कास्ट है, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया में मतलब स्टार्टिंग से ही कांग्रेस से दूर हो रही थी। एंड द जनता पार्टी बिकम ए प्लेटफॉर्म फॉर मैनी ऑफ दिस सेक्शंस टू कम टुगेदर। और इस तरीके से जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म के रूप में सबके सामने उभर कर आई इन सेक्शंस के लिए, ताकि ये सभी इकट्ठे हो सके। इन सेंस द इलेक्शंस ऑफ 1970 वर नॉट मेयरली अबाउट द इमरजेंसी। जनता गवर्नमेंट की देखते हैं, द जनता गवर्नमेंट दैट कम टू द पावर, अब जनता गवर्नमेंट पावर में थी आफ्टर 1977 के इलेक्शंस में, वो स्कोर फ्रॉम कोहेसिव। आफ्टर द इलेक्शन देयर वर ए स्टिफ कम्पिटिशन अमंग थ्री लीडर्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब इलेक्शंस हुए तो उसके बाद तीन ऐसे नेता थे जिनके काफ़ी कंपटीशन था, जिनके बीच में प्राइम मिनिस्टर के पद को लेकर। मुरारजी देसाई की बात करते हैं, मुरारजी देसाई स्टार्टिंग से ही श्रीमती इंदिरा गांधी के कंपिटिटर रहे हैं, ठीक है। वॉज द रिवेल टू इंदिरा गांधी एवर सिंस 1966 और 1967, ठीक है। ये इंदिरा गांधी की कंप्यूटर थे कब, 1966 और 67 में। दूसरे प्रधानमंत्री के पद के लिए चरण सिंह थे, जो भारतीय लोकदल के नेता थे और फार्मर थे, फार्मर लीडर थे यूपी से। जगजीवन राम की यदि बात करूँ तो उनको सीनियर मिनिस्टर का एक्सपीरियंस था कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर। इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू एन एंड। और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो मोरारजी देसाई थे वो उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री बने। द अपोजिशन ऑफ इमरजेंसी कुड कीप द जनता पार्टी टुगेदर ओनली फॉर ए वाइल। ये कहता है जो अपोजिशन थे, जो विपक्षी दल थे, वो सिर्फ इमरजेंसी के ड्यूरेशन में ही जनता पार्टी के रूप में एक साथ आए थे। इट क्रिटिस फेल्ट, जो इसके आलोचनात्मक थे, वो महसूस कर रहे थे कि जो जनता पार्टी है लैक्ड डायरेक्शंस, कि उसके पास कोई दिशा नहीं है, लीडरशिप नहीं है और कोई भी कॉमन प्रोग्राम नहीं है। द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंक अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन पॉलिसीज फ्रॉम दोज परसुएड बाय द कांग्रेस। ये जो जनता पार्टी थी, इसने कोई भी फंडामेंटल, कुछ बेसिक चेंज भी नहीं किए थे। जो पॉलिसीज थी किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो पॉलिसीज लाई गई थी। द जनता पार्टी स्प्लिट, जो जनता पार्टी थी वो टूट गई। एंड द गवर्नमेंट विच वॉज लेड बाय द मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी स्प्लिट एंड द गवर्नमेंट विच लेड बाय द, जो गवर्नमेंट थी जो इसको लीड कौन कर रही थी, मोरारजी देसाई, लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। उन्होंने अपनी मेजोरिटी, अपने बहुमत को खो दिया केवल 18 महीने में। दूसरी गवर्नमेंट बनी जो चरण सिंह के द्वारा मतलब बनाई गई, जिसको सपोर्ट दिया किसने, कांग्रेस पार्टी ने। बट लेटर द कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने भी अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। एंड द चरण सिंह गवर्नमेंट कुड रिमेन इन पावर, और चरण सिंह की जो सरकार थी वह भी पावर में नहीं रह सकी, जस्ट 4 months के लिए रही। फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस हुए जनवरी 1980 में हुए, विच द जनता पार्टी सफर्ड ए कम्प्रेहेंसिव डिफीट, और इसमें उसकी भारी हार हुई, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया वेयर इट हैड स्वेप्ट द पोल इन 1977। कहाँ पर मतलब इसकी काफ़ी भारी हार हुई थी, जहाँ से इसने काफ़ी बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स विकेट
इट्स विक्ट्री इन 1971, जैसे कि 1971 में मतलब कांग्रेस पार्टी को विक्ट्री मिली थी, जीत हासिल हुई थी, उसी तरीके से 1980 इलेक्शंस में हुई, इट वॉन 353 सीट्स, इसने 353 सीट्स जीती एंड कम टू द पावर और दोबारा से पावर में आई। द एक्सपीरियंस ऑफ 1977 एंड 1979 टूट अनदर लेसन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसने हमारे दूसरा पाठ पढ़ाया, दूसरी चीज बात सिखाई। द गवर्नमेंट दैट आर सीन टू बी अनस्टेबल, यदि कोई गवर्नमेंट ऐसी है जिसमें अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है और क्वालसम और उसके अंदर कुछ झगड़े हैं, आर सेवरल पनिश्ड बाय द वोटर्स, इस तरीके से जो वोटर्स हैं वो उसे पनिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली 1977 की मैं बात करूँ, ठीक है, तो कांग्रेस को डिफिट हुई। कांग्रेस को क्यों डिफिट हुई, कांग्रेस क्यों हार गई थी, क्योंकि उसने प्रेस पर सेंसरशिप लगाई, बहुत सारे लोगों को उसने जेल में डाल दिया था, तो उसने गलत किया, इसलिए 1977 के इलेक्शंस में कांग्रेस हार गई। लेकिन 1977 में बहुत सारे विपक्षी दल थे जिन्होंने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया था। जो जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो वहाँ पर सिचुएशन क्या क्रिएट हुई कि वहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस ही ज़्यादा था। फर्स्ट डिस्टर्बेंस तब स्टार्ट हुआ जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की बात आई। 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, पहले मोरारजी देसाई थे, ठीक है, फिर उसके बाद जगजीवन राम थे, चरण सिंह थे, तीनों के तीनों प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए प्राइम मिनिस्टर का पद हासिल करना चाहते थे। फाइनली मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन वह 18 महीने तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे और उसने लोकसभा के अंदर अपने बहुमत को खो दिया था। उसके बाद जो चौधरी चरण सिंह थे उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और उसको सपोर्ट किया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने अपना सपोर्ट बाद में वापस ले लिया, जिसकी वजह से उसकी सरकार सिर्फ 4 महीने के लिए रही और दोबारा से इलेक्शंस हुए और 1980 में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली और बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आई। ठीक है, इससे फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस पार्टी के अंदर अस्थिरता होती है, अनस्टेबिलिटी होती है और ऐसे ही इंटरनल डिस्टर्बेंस, झगड़े वगैरह होते हैं, तो मतलब जो वोटर्स होते हैं वो उसे पनिश्ड करते हैं। पनिश्ड किस तरीके से करते हैं, नेक्स्ट टाइम वोट नहीं डालेंगे उस पार्टी को और वो पार्टी शासन में नहीं आएगी।